हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। और आज है फ्राइडे, बज रहे हैं सुबह के 11 और मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। मतलब नहाने धोने का काम, नाश्ते वगैरह का सारा काम कंप्लीट हो गया है। और अभी मेरी मेड का फ़ोन आया 11 बजे। वैसे उसका टाइम है 10 बजे का, मैं वेट कर रही थी। मैंने अपना ये जो भी सारा नाश्ता वाश्ते का काम था ख़त्म कर लिया था कि अब वो आएगी और फिर काम कर लेगी। तो लेकिन अभी उसका फ़ोन आता है कि दीदी मैं आज नहीं आ पाऊँगी, आज मैं छुट्टी पे हूँ, कल पक्का मैं आ जाऊँगी। और आज उसकी छुट्टी हो गई, कल भी उसने ऐसे ही किया था। वैसे जैसे उसका टाइम मैंने बताया है कि 10 बजे का है, तो सुबह वो 7:30 बजे आ गई। तब हम सुबह सोकर ही उठे थे क्योंकि तविशी की छुट्टी थी, तो हम लोग बिल्कुल आराम से उठे तो देखा जी घंटी बजी है तो वो आई है। फिर मैंने कहा तू इतनी जल्दी कैसे आ गई, फिर कहने लगी कि भाई दीदी इधर आओ, सुनो तो कुछ कहना है। मैंने कहा हाँ बोलो। कह रहे मेरे को कहीं जाना है इसलिए आज ना जल्दी काम करा लो वरना फिर मैं बाद में नहीं आऊँगी। अब हम तब 7:30 बजे उठे ही थे तो फिर मैंने सोचा कि अब उठते ही अब हम चाय वाय पियेंगे और ये बीच में खटर पटर करेगी। मैंने उसे कहा कि तू रहने दे, आज मैं खुद ही कर लूँगी, तू चली जा अभी। तो कल तो छुट्टी हो ही गई उसकी और आज भी छुट्टी हो गई, अब सारा काम मुझे करना पड़ेगा, झाड़ू पोछे का। ऐसे होता है, मतलब ये मेड इतने जल्दी जल्दी धोखा देती है ना, बस पूछो ही मत। अब तक मैं 3 मेड बदल चुकी हूँ और हमेशा सबके साथ यही प्रॉब्लम, छुट्टी इतनी ज़्यादा लेती है, मुझे समझ नहीं आता कि वो लोग मतलब उस पैसे तो सारे ले लेंगी। मैं कभी भी पैसे जो होते हैं इन मेड के कभी नहीं कट करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, जितने होते हैं उतने ही उनको देती हूँ। लेकिन फिर भी उनकी छुट्टियाँ इतनी होती हैं, मुझे लगता है कि बस वो तो पैसे लेने के लिए हैं, बाकी मेड तो मैं ही हूँ, मैं ही घर की साफ़ सफाई करती हूँ, मैं ही झाड़ू पोछा कर रही होती हूँ, वो तो आराम से छुट्टी करती हैं और फिर पैसे लेकर चली जाती हैं। मैं इतनी परेशान हूँ ना अपनी मेड से, बस पूछो ही मत। तो चलो बेटा रजनी अब काम पे लग जाओ। अब शुरू होती हूँ मैं झाड़ू पोछा वगैरह करने के लिए, और बर्तन भी हैं थोड़े बहुत नाश्ते के, वो तो मैं खैर खुद ही करती हूँ तो वो भी मुझे करने हैं। तो फिर चलो लगते हैं काम पे। मेरा काम खत्म हुआ है, 1 बज गए हैं, 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटे मेरा लगातार काम हुआ, झाड़ू पोछा बर्तन इसी में इतना टाइम लग गया। और अब जाके मैं बैठी हूँ, 1 घंटा रेस्ट करूँगी, फिर 2 बजे फिर लंच बनाने शुरू कर दूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड घर से ही काम करते हैं तो मुझे लंच बनाना है। और 2 बजे इसलिए बनाती हूँ क्योंकि जो तविशी है वो 3:30 बजे के आसपास स्कूल से आती है, तो उस वक्त उसे भी लंच गरम गरम मिल जाए। हम लोग भी उसी के साथ ही खाते हैं क्योंकि अगर हम उसके साथ नहीं खाएंगे तो फिर वो क्या करती है कि खाना खाने से बचती है, मैं ये चिप्स खा लूँगी, मैं बिस्किट्स खा लूँगी, घर में ऐसी चीज़ें ढूंढती रहेगी, फिर खाना नहीं खाएगी। अगर हम उसके साथ बैठ के खाएंगे तो फिर वो खाती है, तो इसीलिए उसका वेट करते हैं, उसी के साथ ही खाते हैं। तो बस यही है, काम बिल्कुल ख़त्म नहीं होते, चलते रहते हैं,
शुरू सुबह से शुरू हो जाओ और शाम तक होते ही रहते हैं होते ही रहते हैं। लोग ऐसे ही सोचते हैं कि हाउसवाइफ के पास कोई काम नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाउसवाइफ के साथ भी उतना ही काम होता है, हाउसवाइफ भी उतना ही काम करती है जितना कि और दूसरे लोग करते हैं। औरों का काम तो फिर भी ये है कि एक बार को होकर ख़त्म हो जाता है, लेकिन हाउसवाइफ का काम ऐसा नहीं होता। उनका थोड़ा 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 करके सारा दिन चलता रहता है, बिल्कुल रुक रुक के रुक रुक के, थोड़ा थोड़ा डिवाइड होता है बस सेक्शंस में, लेकिन होता उतना ही है जितना कोई आदमी का जो जॉब वगैरह करते हैं उनके बराबर ही काम होता है। इसलिए हम बिल्कुल भी खाली नहीं है, ऐसा कोई ना समझे कि हाउसवाइफ बिल्कुल खाली होती हैं। और आज मैंने सोचा था कि अपने बेडरूम की बेडशीट चेंज करूंगी। 5 से 6 दिन हो गए हैं, मैं वीकली 7 दिन में, मतलब मैक्सिमम 7 दिन में या फिर 5 या 6 दिन में अपनी बेडशीट चेंज कर देती हूँ। लेकिन मैंने आज ब्यूटिशियन को बुलाया है घर पर ही, तो क्योंकि तीज आने वाली है तो मैं पार्लर भी गई थी, वहाँ पे बहुत ही रश था तो मुझे लगा कि मेरा नंबर तो आएगा ही नहीं। अपॉइंटमेंट मैंने लेने की भी कोशिश की थी तो वो काफ़ी लेट बुला रही थी, इसलिए मैंने फिर ब्यूटिशियन को ही घर पर बुला लिया। उसके साथ भी बड़ी प्रॉब्लम थी, उसे भी फ़ोन किया तो बहुत देर उसने सोचा, पहले बोलने लगी कि कल आऊँगी, सैटरडे को आऊँगी, कल करा लो, लेकिन कल हमें कहीं जाना है। तो मैंने कहा कल तो पॉसिबल नहीं है, फिर कह रही आज तो बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं है और मैं बहुत बिजी हूँ। मैंने उससे फिर बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई देख लो कहीं से एडजस्ट कर सकती हो क्या। तो मुझे वैक्सिंग करानी है, एक्चुअली वैक्सिंग की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए मैंने उसे फ़ोन किया था। तो फिर बड़ा कह सुन के वो 8 बजे के लिए मानी है, तो आज शाम को 8 बजे आएगी, और जब वो आएगी उसी के बाद फिर मैं ये सोच रही हूँ जब ये काम वैक्सिंग वगैरह का हो जाएगा फिर मैं ये बेडशीट चेंज करूँगी। तो इसीलिए आज मैंने ये छोड़ दिया बेडशीट चेंज करने वाला काम। और आजकल काम करते हुए मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, जब भी मतलब मैं खाना वाना बना रही हूँ तो 3 4 दिन से ऐसा हो रहा है कि मेरे हाथ जल रहे हैं। एक मेरा हाथ जलने का ये रहा निशान, एक यहाँ पर भी है, और मतलब बहुत जगह से मेरा हाथ जल गया। एक कल मेरा यहाँ जल गया, अभी उससे कुछ दिन पहले भी एक है यहाँ पर, ये देखिए कितना बड़ा निशान है। तो मतलब रोज़ मेरे आजकल बहुत हाथ जल रहे हैं, कहीं ना कहीं से रोज़ हाथ जल जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, कभी तवे पे हाथ लग जाता है, कभी प्रेशर कुकर पे हाथ लग जाता है, कभी कढ़ाई पे हाथ लग जाता है। उस वक्त तो पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसमें जलन होती है या इस पे पानी वगैरह लग जाता है तो बहुत जलन होती है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल चीज़ है ये जलना। आपके साथ भी होती है क्या ये प्रॉब्लम? भाई मेरे पहले मेरे साथ कभी भी नहीं होती थी, लेकिन आजकल तो पता नहीं क्यों मेरा रोज़ हाथ जल रहा है, क्या चीज़ हो रही है ये। तो बस अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं लंच बनाने जाने वाली हूँ और मैं यहाँ अपनी बालकनी के पास खड़ी हुई हूँ। बाहर बहुत ही अच्छी हवा चल रही है और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया। सुबह बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ही रात से कल से बहुत घुटन हो रही थी, लेकिन अब मौसम बहुत सुहाना हो गया। मैं विंडो खोल रही हूँ थोड़ी सी और बहुत ही अच्छी हवा आ रही है यहाँ लाइटिंग की वजह से। ये देखो एकदम से बादल बादल आ गए हैं और हवा बहुत ही ठंडी ठंडी चल रही है, लग रहा है आसपास कहीं बारिश हो रही है। तो अब जाके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, नहीं तो इतनी गर्मी लग रही थी कि घर में ऐसे बैठना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, बिना एसी के तो काम ही नहीं चल रहा था। लेकिन अब अच्छा मौसम हो गया है, एसी नेचुरल एसी चल गया है अब तो। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। अब भी मैं सोच रही हूँ कि न्यूट्रिला की सब्ज़ी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, तो तवीशी के आने से पहले बन जाएगा क्योंकि बज रहे हैं 2, तो 3:30 तक आएगी तो 3 सवा 3 तक बन जाएगा खाना। तो अब वहीं जा रही हूँ मैं, तब तक ये रूम खुला रहेगा, हवा आती रहेगी।
जब मेरा किचन टॉवल गीला होता है तो मैं ऐसे इसे गर्म प्रेशर कुकर के ऊपर रख देती हूँ, तो बहुत ही जल्दी ये सूख जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा टिप है, अगर आपके पास आपका जो किचन टॉवल गीला है तो आप उसे ऐसे ही गर्म कढ़ाई पे या फिर गर्म कुकर के ऊपर रख सकते हैं, इसे बहुत ही जल्दी सूख जाता है। तो ये मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। तो अब सारा काम ख़त्म हो चुका है, बच गए हैं 3। तवीशी के बाने का वेट हो रहा है, खाना वाना बन गया है बिल्कुल, जब वो आएगी तो फिर हम उसके साथ खाएंगे। तो बस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, जब भी टाइम मिलेगा तो आपसे फिर आगे की बातें करूँगी। देखो अब रात हो गई है, 9:30 हो रहे हैं और अब तक ब्यूटीशियन भी नहीं आई है, तो इसका मतलब अब आएगी भी नहीं। 9:30 हो गए, मैंने डिनर वगैरह सब बना लिया है और तवीशी को भी पढ़ाने वाला सारा काम ख़त्म कर लिया था। मुझे पता है वो आएगी ही नहीं, तो अब मैं ये वीडियो एडिट करूँगी बैठ के। और हो जाता है कभी कभी, मेरे को आज मेड ने भी धोखा दे दिया, ब्यूटीशियन ने भी धोखा दे दिया, दो दो धोखे मिले मुझे। तो चलो खैर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो बस अब यही है, अब मुझे जाना है वीडियो को एडिट करने के लिए। डिनर वगैरह जब अभी हस्बैंड बोल रहे हैं कि उन्हें भूख नहीं लग रही है, तो जब वो बोलेंगे तो फिर मैं लगा दूंगी उनका खाना और अपना भी, हम सब साथ में मिलके खाएंगे। तो फिर आपको मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।